जैसलमेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई है, बेहद अहम खबर। जा उपनिवेशन पटवारी 5000 के रिश्वत लेते हुए ट्रैप हुआ। एसीबी ने चिमना राम भाटी को ट्रैप किया है। नामांतरण खोलने के आवज में इसने घूस मांगी थी। एसीबी डीएसपी अन्नराज राजपुरोहित ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो अहम कार्रवाई है, जैसलमेर में एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जहां उपनिवेशन पटवारी 5000 की रिश्वत लेते ट्रैप हुआ है। एसीबी ने चिमना राम भाटी को ट्रैप किया है। इस पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, 5000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया है एसीबी ने, पूरी जानकारी कार्रवाई को लेकर। तो वापस नवीन से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हो। उपनिवेशन पटवारी 5000 की घूस लेते गिरफ्त में आया। एसीबी ने चिमना राम भाटी को ट्रैप किया। नामांतरण खोलने के एवज में इसने घूस मांगी थी। एसीबी डीएसपी अन्नराज राजपुरोहित ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां कामयाबी मिली। और चलिए संवाददाता नवीन शर्मा एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, कार्रवाई को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल वाकई में एसीबी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी और एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जो पटवारी है चिमना राम भाटी, उसे यहाँ पर गिरफ्तार किया है। 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए परिवार एसीबी के पास पहुंचा था। कुछ शिकायत रही थी कि नामांतरण खोलने की एवज में उससे लगातार गोष्ठी डिमांड की जा रही है, तो एसीबी ने इसका गोपनीय वेरिफिकेशन करवाया और वेरिफिकेशन करवाने के बाद आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और जो पटवारी है मोहनगढ़, उसे यहाँ पर चिमना राम भाटी को गिरफ्तार कर लिया गया है और एसीबी की मौके पर कार्रवाई कर रही है। एसीबी ने मौके से कुछ फाइलों को भी जब्त किया है। उन फाइलों के आधार पर एसीबी ये भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घूसखोरी का काम कब से कर रहा था और कौन कौन इस खेल के अंदर शामिल है। एसीबी ने मौके से कुछ फाइलों को भी जब्त किया है। उन फाइलों के आधार पर एसीबी और भी कुछ क्लू है, सुराग है, वो जुटाने का प्रयास कर रही है। एसीबी ये भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि 5000 रुपए की रिश्वत है वो और किस किस को देगी थी, या फिर पूरा रोल इसी का था और किस किस का रोल है इस पूरे प्रकरण में। एसीबी की टीम है वो इस पूरे प्रकरण की जाँच कर रही है और डीआईजी जो विष्णुकांत है वो इस कार्रवाई के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। जी चलिए, शुक्रिया नवीन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। नामांतरण खोलने के एवज में ही ये घूस मांगी गई थी 5000 की रिश्वत की रकम के साथ। एसीबी ने इसे गिरफ्त में लिया है, पूछताछ जारी है। फर्स्ट इंडिया पे सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें।